हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। इस वीडियो पे मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ जो हर कोई अपनी लाइफ में आजमा सकता है। और इसके लिए मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, ना कोई मैंने कोई कंटेंट डेवलप किया, बनाया, सोचा। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा पर्सनल एक्सपीरियंस से। और छोटा वीडियो होगा लेकिन आखिरी तक देखिएगा, और हो सकता है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिले। हो सकता नहीं, मुझे लगता मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप करियर के अपने बिगनिंग पे होगा, एंडिंग के टाइम पे हो करियर में, करियर का कभी एंड नहीं होता। एक वर्किंग पर्सन, एक पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड वाला बंदा आखिरी टाइम समय तक काम करता रहता है, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। टॉपिक है इस वीडियो का परचेजिंग टाइम, समय को खरीदिए। कई लोगों को लगेगा यार समय को कैसे खरीद सकते हैं, अगर समय खरीदा जा सकता है तब तो हर कोई खरीद ले, समय तो 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझिए। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं शुरू में 2002 से वर्किंग स्टार्ट किया, दिल्ली में से काम कर रहा था। तो मैं एक बड़ी सी कंपनी ज्वाइन किया जो 2004 में ज्वाइन किया, और संडे को ऑफ होता था, ऑफ किसी और दिन होता था, तो मैंने संडे को फॉर एग्जांपल ले लिया। संडे को ऑफ होता था, उस ऑफ के दिन सारे दोस्त मेरे यंग एज वाले लोग जाते थे, कपड़े उपड़े धुलते थे अपने, जो ज़रूरतें होती थी वो पूरी करते थे। उस टाइम इतना स्विगी, जोमेटो, बाकी चीज़ें ये सब होती नहीं थी, तो खुद कपड़े धुलते थे, कपड़े प्रेस करते थे और सारा इंतजाम करते थे। उस टाइम टेलीफोन में इनकमिंग का भी चार्ज लगता था और आउटगोइंग का भी चार्ज लगता था, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी। लेकिन मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके ऑफिस आ जाता था, क्योंकि ऑफिस 7 डेज ओपन था, और मैं ऑफिस में काम करता था। टेलीफोन से मैं HR प्रॉब्लम सॉल्व करता था इम्प्लाई, क्योंकि वहाँ पे जिस इंडस्ट्री में मैं था वहाँ पे बड़ा ज़्यादा स्विच ओवर होता था लोगों का, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा परेशान रहती थी, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। बहुत जल्दी 3-4 महीने के अंदर ही टॉप मैनेजमेंट जो MD हैं वो, उनका फ़ोन मेरे पास आने लगा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। और मैं उसको जी जान से सॉल्व करता था। बड़ी सारी प्रॉब्लम मेरे पास भी आती थी क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन इम्प्लाई वाइज बहुत अच्छी नहीं थी, बट मुझे पता था कंपनी का जो कोर है वो ऑनेस्टी है, तो मैं उस ऑनेस्टी के साथ काम करता था। और MD का मेरे पास फ़ोन आने लगा, तो मेरे जो कलीग हैं वो, मेरे जो दोस्त होते थे, मेरे जो साथ काम करने वाले लोग होते थे, वो जलने लगे मेरे से। कहने लगे यार ये देखो आके बैठा रहता है और लगता है सर इसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, क्योंकि फ़ोन का बिल मेरा बहुत ज़्यादा आने लगता था, 2-2 हज़ार रुपये बिल आते थे, और उस टाइम मेरी सैलरी करीब 29,000-28,000 थी, तो 2,000 ठीक ठाक अमाउंट था कि उसका मैं बिल आता था। अदरवाइज अगर मैं वो ना करता तो मेरे 500-400 बिल आते। तो मुझसे कई लोग पूछते भी थे कि यार तू कपड़े कब धोता है, क्योंकि जो डेली वर्किंग होती थी बड़ा हैक्टिक होती थी, तो बाकी काम कैसे करता है। तो वहाँ पे मैं समय को खरीदता था, और वो समय खरीदना होता है कि मैं पैसे खर्च करता था। मैं उन कपड़ों पे, मैं बाहर अपने कपड़े नहीं धुलता था, बाहर धुलवाता था। पैसे लगते थे ज़्यादा, लेकिन मुझे पता था कि उस पैसे का मैं दूसरा रिवार्ड ले लूँगा। मोबाइल में खर्च करता था अपना पैसा, लेकिन मुझे पता था उसका मैं दूसरा रिवार्ड ले लूँगा। और जल्दी ही कंपनी का एक तो टॉप मैनेजमेंट MD अगर आपको फ़ोन करने लगे, तो आपकी वैसे ही भी आपकी जो बेस्ट चीज़ें हैं वो निकल के जल्दी सामने आ जाएंगी और आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। मैं बहुत जल्दी ही एक प्रमोशन पाया, 2 महीने बाद एक और प्रमोशन पाया, और 7 प्रमोशन मैं 1.5 साल के अंदर लिया। और मैं बहुत जल्दी ही अपने सारे पीयर ग्रुप को, अपने सारे सीनियर्स को क्रॉस कर करके ऊपर उठता गया। और मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा काम करता था उस टाइम, मेरा काफ़ी फ्रेश ग्रेजुएट था मैं, तो इतना ज़्यादा काम करता था मेरे घर वालों को भी लगता था। हमारी जो ड्यूटी होती थी वो बहुत खासी अच्छी डिलीवरी डिमांड करती थी, उसके लिए मैं पूरी रात रात तैयारी करता था, बहुत कम नींद हो पाती थी, लेकिन एक पैशन था कि आगे बढ़ना है। तो वो मैं समय को, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता मैं समय को खरीदता था। शॉपिंग करने कहीं पे गया तो देखा कि यहाँ महंगा मिल रहा है, 4 किलोमीटर सस्ता मिलेगा दूर, वहाँ नहीं जाता था। या हो सकता है कि और वैरायटी में देखता तो और अच्छा मिल जाता, सस्ता मिल जाता, लेकिन वहाँ मैं समय नहीं बेकार करता था, वो चीज़ें खरीद लेता था। तो समय खरीदने का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ों को यूज़ करो जो बेस्ट आपके लिए है, बाकी चीज़ों के लिए आप हायर करो लोगों को। यही हाल आज की डेट में इंडस्ट्री का है। अगर आप कहीं पे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को आप खरीद लो, आउटसोर्स कर दो, उसके लिए बंदे हायर कर लो। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट डेवलपर हैं, यूट्यूब डेवलपर हैं, और आपको पता है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हो,
और आप दिन भर में एक ही कंटेंट बना पा रहे हो या 2 दिन में एक बना पा रहे हो या 1 वीक में एक बना पा रहे हो, क्योंकि आपको एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो एडिटिंग की टीम हायर कर लो। पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप पैसा दे रहे हो अननेसेसरी, वो काम खुद कर सकते थे, लेकिन जो आप काम कर रहे हो ना वो नहीं कर सकते, या उसकी वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा है। सिमिलरली किसी और फील्ड का कोई एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कि आपने वो समय आउटसोर्स कर दिया, अपना बचा लिया, और उस बचे हुए समय को आपने ज़्यादा प्रोडक्टिव जगह पे लगा दिया, एंड देन यू गॉट बेटर रिवॉर्ड। ये प्रूवन है। कहीं पे अगर आपको जाना है, ट्रेन से जा रहे हैं, मैं एक इंसिडेंट और इस कंपनी का बताता हूँ, कि कई बार हम अपने एम्प्लाई को दूर एक अपने ब्रांच पे भेजते थे तो उसे 3 दिन लगता था ट्रेन से जाने में, तो हम उसे फ्लाइट से भेजने लगे। हमने सोचा यार फ्लाइट का, मैनेजमेंट से मैंने बात की, फ्लाइट का खर्चा तो बहुत लगता है, तो हमारे बॉस ने बोला कि यार फ्लाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा तो लगता है, लेकिन इस बंदे की 3 दिन की जो सैलरी है ना, वो जो 3 दिन की सैलरी है उससे, और जो ट्रेन का टिकट सबको जोड़ लो, तो उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम उसके बंदे के समय बचा रहे हैं, यानी हमने वो समय खरीद लिया। तो इस तरह से अगर आप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटिव सोचोगे तो आपको अपनी लाइफ में समय भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब वर्किंग समय, और आपको उसका आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। आउटपुट समय दोनों मिला तो ग्रोथ तो तय है, और आप अपने कामों को बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाओगे और उसका बेटर आउटपुट ले पाओगे। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।